पाव भाजी बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जो सबको पसंद आती है इसकी बटरी फ्लेवर और कलर के लिए। और अगर आप ऐसा ही कलर और फ्लेवर अपने घर पे ला सकें तो मज़ा आ जाए, है ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑथेंटिक आहार में। पाव भाजी को आज हम बना के तैयार करेंगे एक नई तरीके से, जो झटपट बन के भी तैयार हो जाएगी और इसका स्वाद स्ट्रीट स्टाइल भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुकर में एक टेबलस्पून जितना तेल ले लिया है और तेल के गर्म होते ही मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून जीरा डाल दूँगी। आपको गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है ताकि जीरा जले ना। और जीरे के चटकते ही मैं यहाँ पर दो बड़े टमाटर को काट के डाल दूँगी। आपको यहाँ पर टमाटर को ज़्यादा लेना है क्योंकि टैंगी फ्लेवर इसी से आएगा भाजी में, इसे चला लेंगे। अब यहाँ पर मैं दो बड़े आलू काट के डाल रही हूँ। 6 से 7 कलियाँ हम डाल देंगे फूलगोभी के। एक गाजर को मैंने काट के ले लिया है और मैंने 1/2 कप यहाँ पे मटर ले लिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालूँगी, मैंने 1/2 टीस्पून नमक ले लिया है। और साथ ही मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितना पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला लूँगी और इसके बाद हम यहाँ पर उतना ही पानी डालेंगे जितने में सब्जियाँ अच्छी तरह से पक सकें। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सब्जियों को छोटा काटना है और 20 से 25 मिनट उसे पानी में पकाना है। अब मैं यहाँ पर कुकर का लेट बंद कर रही हूँ और इसे 2 सीटी आने तक पकाऊँगी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून बटर ले लिया है। बटर के पिघलते ही मैं यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा चला लेंगे बटर में। यहाँ पर मैं 2 प्याज डाल रही हूँ जो मैंने काट के रखे थे, और इसे हमें चलाना है बटर में जब तक कि ये थोड़े नरम नहीं हो जाते। देखिए अब ये नरम हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर 1/8 टीस्पून डाल रही हूँ हींग और इसे हमें चला लेना है। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद हमें चलाते रहना है जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। हमें लगभग इसे 1 से 2 मिनट चला लेना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है। अब यहाँ पर मैं 1 कैप्सिकम को काट के डाल रही हूँ। आप बिल्कुल भी कैप्सिकम को स्किप ना करें, इससे पाव भाजी में फ्लेवर आएगा। अब हम सारे मसाले डालेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हम ले लेंगे धनिया पाउडर और 2 टीस्पून हम लेंगे पाव भाजी मसाला। सारे मसाले डालने के बाद आपको एक बार इसे चला लेना है 1 से 2 मिनट तक। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पर ही रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी। याद रखें, हमने पहले भी नमक थोड़ा सा डाला हुआ है सब्जियों में, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर नमक ले लेना है। नमक डालने के बाद आपको इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेना है, देखिए कुछ इस तरह से। दूसरी तरफ प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल चुका है अपने आप से, तो मैं यहाँ पर एक पोटैटो मैशर की मदद से इसे थोड़ा सा मैश कर लूँगी, देखिए कुछ इस तरह से। अब हमारा मसाला भी यहाँ पर पक के तैयार हो चुका है, तो हम ये जो सब्जियाँ हमने मैश किए थे उसको डाल देंगे, देखिए। और इसे हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। आपको अच्छी तरह से मसाले के साथ इसे मिला लेना है। और यहाँ पर क्योंकि सब्जियाँ थोड़ी दिख रही हैं, तो मैं फिर से पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर आपको सब्जियों का कोई भी टेक्सचर नहीं चाहिए, क्योंकि पाव भाजी में इसकी ग्रेवी थिक होती है और इसमें सब्जियाँ नहीं दिखती हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। आप चाहें तो यहाँ पर फूड कलर की जगह एक बीट रूट भी डाल सकते हैं सब्जियों के साथ, तो उससे भी आपका कलर आ सकेगा। अब देखिए कलर भी परफेक्ट है और सब्जियाँ भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमेशा हथेलियों के बीच में चूर कर ही आपको इसे डालना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ सके। अब हमें इन सबको अच्छी तरह से मिला लेना है और इसे मैं ढककर 5 से 6 मिनट पकने के लिए छोड़ दूंगी लो फ्लेम पर। गैस का फ्लेम लो कर लें, नहीं तो सब्जी नीचे लग जाएगी क्योंकि ये गाढ़ी बन चुकी है। अब मैं एक बार इसे चला लूँगी, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी पूरा परफेक्ट है जैसे मार्केट में मिलती है ना। और एक्स्ट्रा स्वाद के लिए ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे काट कर, और इसे भी अच्छी तरह से हमें सब्जी के साथ मिला लेना है या फिर भाजी के साथ मिला लेना है। और अब हम ऊपर से जितना मर्ज़ी आपको पसंद हो उतना बटर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर लगभग और 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि मोर बटर इज़ बेटर, है ना। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और ऊपर से थोड़ा सा नींबू चलेंगे। मैंने यहाँ पर आधा नींबू लिया है,
आप इसे ज़रूर डालें क्योंकि इसी से ही एक्स्ट्रा टैंगी फ्लेवर ऐड होगा। और इसे एक बार मिला लेंगे और इसे साइड पे रखेंगे। अब हमें पाव को बटरी फ्लेवर देना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे तवा गर्म होने रखा था मीडियम टू लो फ्लेम पर, और यहाँ पर बटर आप अपने हिसाब से ले लें। और यहाँ पर मैं बटर के पिघलने के बाद थोड़ा सा कसूरी मेथी डालूँगी, थोड़ा सा धनिया पत्ता, एक चुटकी पाव भाजी मसाला और एक चुटकी हम डाल देंगे चिली पाउडर। इसके बाद हमें इसे थोड़ा सा मिला लेना है। याद रखें मैंने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखा है, नहीं तो बटर जल जाएगी। अब हम पाव को लेंगे और पाव को ऐसे बीच से काट लेंगे छुरी की मदद से, देखिए कुछ इस तरह से। और इसे फिर हमें सेक लेना है ऐसे घुमाते हुए बटर के ऊपर, ताकि फ्लेवर सारा इसमें आ सके। अब ये पाव भी तैयार है, चलिए हम पाव भाजी सर्व करते हैं। पहले हम प्लेट में मन भर कर भाजी लेंगे, फिर पाव लेंगे, फिर कटे हुए प्याज, धनिया पत्ता, मिर्चें, नींबू, ऊपर से डालेंगे ढेर सारा बटर, और ये पाव भाजी बनके तैयार है। तो इसे आप ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि कैसे बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।